सो द क्वेश्चन वी हैव इज अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्र शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड फिफ्टीन मीटर बाई मीन्स ऑफ अ फाइव मीटर लॉन्ग रोप सो एक तरह से इस टाइप से यहाँ पर हॉर्स को टाई करा गया टाई अप करा गया बांधा गया इस जो ये रोप है यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो है फाइव मीटर ये जो स्क्वायर है क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी तो इसकी लेंथ है और वी कैन से इसकी साइड्स हैं फिफ्टीन मीटर की अब ये कहा गया है फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस हॉर्स कैन ग्रेस यानी कि अगर देखें तो हॉर्स यहाँ से लेके जो कर्व फॉर्म हो रहा है इसके अंदर का जो एरिया है यहाँ तक ग्रेस कर सकता है यानी कि यहाँ तक जो ग्रास है उसे खा सकता है इसके अलावा इसके बाहर की जो घास है उसे नहीं खा पाएगा क्योंकि उसे उस टाइप की रोप से बांधा हुआ है तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तरह से यहाँ पर सेक्टर फॉर्म हो रहा है सेक्टर कैसे लाइक अगर हम एक छोटा सा रफ फिगर बनाएं ये हमारा सर्कल है सर्कल में ये एक लाइन है ये एक लाइन है और ये दोनों लाइंस अभी फ़िलहाल फाइव मीटर की हैं ये भी फ़ाइव मीटर की होगी ऑब्वियसली तो इतना एरिया ये हॉर्स ग्रेस कर सकता है इसके बाहर का भी एरिया जिसे हम जिससे अभी हमें कुछ नहीं लेना देना हमें तो बस इतना एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो ये तो आप डायरेक्टली कर लेंगे डायरेक्टली कैसे होगा लाइक like आपको पता है ये एंगल कितना होगा ये एंगल होगा 90 डिग्री क्योंकि एक स्क्वायर है सो एरिया यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर लिखते वैसे हम तो फ़िलहाल ये एरिया वो वाला एरिया आएगा आपको पूरा लिखना है एरिया दैट एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज तो इस टाइप से ये एरिया आएगा हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय 360 सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर आर यानी कि रेडियस रेडियस इस केस में आप देख सकते हैं फाइव मीटर हो रही है क्योंकि ये वाली साइड अभी हमें फाइव मीटर गिवन है तो रेडियस फाइव मीटर है थीटा नाइन्टी है तो नाइन्टी अपॉन थ्री सिक्सटी हो जाएगा वन अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाय पाई हमसे कहा गया है कि थ्री पॉइंट वन फोर लेना है तो मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी फाइव तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय दैट इज़ ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट वन फोर जो कि आएगा हमारे पास सेवेंटी एट पॉइंट फाइव और ये डिवाइड हो रहा होगा फोर से तो इसे साथ ही साथ फोर से डिवाइड भी कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू फाइव मीटर स्क्वायर यानी कि इतना ही एरिया हॉर्स इस टाइम फ़िलहाल ग्रेस कर सकता है खा सकता है नेक्स्ट ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं आप द इनक्रीज इन ग्रेजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर टेन मीटर लॉन्ग इन ऑफ फाइव मीटर अब ये कहा गया है कि अगर जो रोप है वो फाइव मीटर की जगह टेन मीटर की होती तो कितना एरिया उसका बढ़ जाएगा इनक्रीज़ हो जाएगा अब इनक्रीज़ हो जाएगा इसका मतलब क्या है ये रहा हमारा प्रीवियस एरिया जो अब नया टोटल एरिया आएगा उसमें से हम प्रीवियस वन को माइनस कर देंगे तभी तो हमें इंक्रीज़ हुआ पता चलेगा लाइक like, इसे छोटे से एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं आपके पास फ़िलहाल टेन रुपीज़ हैं कुछ टाइम बाद आपके पास हो गए फिफ्टीन रुपीज़ अगर आपसे कोई पूछे कि कितने रुपए इंक्रीज हो गए इंक्रीज कितने हुए आपके पास रुपीज़ फ़ाइव तो जो आपका नया आया है या नए रुपीज़ हैं आपके पास उसमें से आपने प्रीवियस माइनस करे तभी तो आपको ये पता चला इंक्रीज कितने हुए हैं तो सेम इसी टाइप से हम करेंगे हमारे पास जो नया आएगा अब जो नया एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा और उस एरिया को हम कब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम रेडियस रखेंगे टेन क्योंकि अब जो रोप की लेंथ है वो टेन कर दी गई है तो एरिया अब न्यू आ जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेन मीटर रोप ये होगा थीटा यहाँ पर भी सेम रहेगा थीटा कोई चेंज नहीं होगा तो नाइन्टी अपॉन थ्री सिक्सटी हम डायरेक्टली वन अपॉन पॉइंट फोर लिख रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय पाई जो कि 3.14 होगा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ 100 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा अब डायरेक्टली अगर हम देखें तो 314 डिवाइडेड बाय 4 अगर वैसे हम देखें तो 314 डिवाइडेड बाय 4 जो कि इक्वल होगा सेवेंटी मीटर स्क्वायर के तो ये हमारा नया एरिया आ गया अब क्वेश्चन में इंक्रीज एरिया पूछा गया है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ हम लिख लेते हैं इंक्रीज एरिया जो है वो हो जाएगा हमारे पास 78.5 एट माइनस सेवनटी में से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं लेकिन हम किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास प्रीवियस एरिया था प्रीवियस एरिया हमारे पास क्या था दैट इज़ नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू फाइव मीटर स्क्वायर क्यों हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करा क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इनक्रीज़ कितना हुआ हमने अभी छोटे से एक एग्ज़ाम्पल से भी देखा था तो जब हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा फिफ्टी एट पॉइंट एट सेवन फाइव मीटर स्क्वायर यानी कि पहले वो हॉर्स इतना एरिया ग्रेस कर रहा था लाइक इतना एरिया ग्रेस कर रहा था अब वो हॉर्स इतना एरिया ग्रेस कर रहा है बढ़ कितना गया इतना क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा था इसलिए हमने इंक्रीज यहाँ पर कैलकुलेट किया